नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ से। विशिष्ट सर्वोच्च क्रांतिकारी जंग के आजादी के महायुद्ध नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर शनिवार गदनपुर तिराहा पर धूमधाम से मनाएगा, जिसका आयोजन किसान संघर्ष समिति बुलंदपुर आजमगढ़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता पिपली नेता कन्हैया सिंह ने किया और संचालन राम प्यारे यादव जिला अध्यक्ष प्रदीपशील समाजवादी पार्टी लोहिया आजमगढ़ ने किया। इस क्रम में मुख्य अतिथि रामधारी यादवपुर प्रधानाचार्य मठ गोविंद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में हरि राम यादव बागी नेता जी की जीवन पर अपना विचार रखा। खास रिपोर्ट नूर मोहम्मद आजमगढ़। तीनों किसान बिल आई है, जिसको हम किसान साथी काला बिल कहते हैं, काला कानून कहते हैं। ये जब तक वापस नहीं होगा, भारतवर्ष में किसान आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग भी आने वाले दिनों में यहाँ से चल करके उन किसानों के साथ दिल्ली में बैठने का काम करेंगे। जो आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? आज पूरे भारतवर्ष में जो किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, उनके आह्वान पर आज 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है पूरे देश में। उसी सिलसिले में हम लोग भी गदनपुर चौराहे पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं।